नमस्कार, एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुधीर राज जी, जो एससी एसटी कर्मचारियों के महासंघ से हैं। सुधीर जी, एक बात बताइए, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। एक बात बताइए, अभी मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस पर कहा है कि सवर्णों को 10% का आरक्षण मिलेगा, तो उस पर क्या बोलते हैं आप? क्या ये बिल्कुल सही है, नहीं है, उसके बारे में क्या विचार है आपका, वो बताएं। एक बड़ी मजाक सी और कमाल सी बात है कि 10% आरक्षण जो दिया गया है, इससे ये बात तो सिद्ध होगी देश में कि आरक्षण की पॉलिसी ठीक है, यानी कि बैकवर्डों को जो आरक्षण दिए गए हैं, एससी को, एसटी को, और आगे जो मुसलमान आरक्षण मांग रहे हैं उनको भी, उनका भी हक बन गया, क्यों तो आरक्षण की पॉलिसी ठीक हो गई। और जो एससी एसटी के महापुरुषों ने ये कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस तरफ एक कदम और बढ़ गया। मगर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं है और हमें आरक्षण चाहिए भी नहीं। बाबा साहब ने आरक्षण की मांग ही नहीं की कभी, ना आरक्षण उनके जहन में था। हमें तो अपना भाग, अपना राइट और अपना हिस्सा चाहिए था हर चीज़ में, देश की हर चीज़ में हमारी भागीदारी, हमारा हिस्सा। इसके लिए हमने फाइट किया था, इसके लिए बाबा साहब ने फाइट किया, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। उस हिस्से को पूना पैट के थ्रू निकाल दिया और एक आरक्षण नाम का कबूतर हमें पकड़ा दिया, फिर उसके पर निकालने शुरू कर दिए, और अब तो वो कबूतर भी मरणासन्न अवस्था में है, क्योंकि पिछले 20 सालों से जब से हम सरकारी कर्मचारियों की पूरे देश में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी में भी, तो जो नौकरियां कभी 40 लाख फिर 20 लाख हो गई, फिर 10 लाख हो गई, अब तो 5 लाख रह गई, और अगले 2-3 साल में रिटायरमेंट है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सरकारी नौकरियां तो पूरी नौकरियों की भारत में 1% है, और 1% नौकरियों में भी आप लगाइए कि कितना आरक्षण किसको मिलेगा, तो 1% सरकारी नौकरी में 10% अगर इन्होंने दे भी दिया तो पूरी नौकरियों का कितना बैठता है, 0.1%, और हमारे पास कितना आता है, 0.15%, डेढ़ गुना। दिक्कत यह है कि आरक्षण का लाभ और हानि देश को नहीं हो रही है जी। इसकी जो लाभ हानि है कहीं और जा रही है। देश को तो आरक्षण के नाम पे उलझा के पीछे लगातार पीछे लगातार पीछे लगातार किया जा रहा है। आरक्षण देना था तो शुरू में दे देते। मुझे जहाँ तक याद है कि एक क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में है जो बड़ी डोमिनेंट है एससी एसटी के लिए, हम नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, मगर सब जानते हैं कि उन्होंने भी ये कहा था कि जो उनकी अध्यक्षा है कि भाई स्वर्णों को या जो अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको देना चाहिए, तो उनकी बात भी प्रूव हो गई जी। आपने उनकी बात को आगे बढ़ा दिया, अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए बराबर। मगर क्या आरक्षण की पॉलिसी को लागू करने का आपका मन पूरी तरह से है? क्योंकि हमारा जो हिस्सा बनता है वो बनता है 22.5% एससी एसटी का। आंकड़े बताते हैं कि कभी 10.5% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी रहे ही नहीं जी। तो आपने लगातार हमारा आधे से ज़्यादा हिस्सा, कभी उसकी बात नहीं की। आरक्षण जो आपने बनाया उसके लिए कभी आपने नियम नहीं बनाए जी। आपको ताज्जुब होगा कि घर में रोटी खाने के माँ नियम बनाती है कि इसको 3 रोटी मिलेंगी, इसको 2 मिलेंगी, इसको 1 मिलेंगी, मगर इतने बड़े देश में आरक्षण की पॉलिसी जिस पे इतना हल्ला मचता है, जितना हो हल्ला होता है, उसका कहीं कोई नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है। आपने मेरा आरक्षण मार लिया तो मैं आपकी FIR नहीं करा सकता। आपको लगता है ये कमाल की बात है? नहीं है, बिल्कुल कमाल की। मतलब आपने मेरा राइट मार लिया और मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने मुझे आरक्षण दिया नहीं दिया, मैं इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। कोई विधान नहीं है, कोई लॉ नहीं है। आपने 10% आरक्षण दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, साथ ही साथ इसका विधान भी बना दीजिए, क्योंकि कल को अगर 10% आरक्षण सरकारी कर्मचारी या बड़े लोगों ने या नेताओं ने या देश के जो कर्णधार हैं उन्होंने जो अपर कास्ट के स्वर्ण हैं उनको नहीं दिया है, तो बेचारे वो स्वर्ण कास्ट के जो अपर हैं, वो अपर कास्ट के जो स्वर्ण हैं, वो कहाँ जाएंगे FIR कराने? तो उनका कम से कम नियम भी बना दीजिए हाथ के हाथ, लोकसभा में उनका नियम बन जाएगा। अभी तो क्या बोलते हैं, आप हितैषी हैं तो हो सकता है कि उनका नियम बने, उनका काम पक्का करिए, कोई काम उनका कच्चा मत छोड़िए, क्योंकि आप तो दे के चले जाएंगे, बेचारों को नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो फिर ना देना बराबर हो गया जी। हमको मत दो, कोई बात नहीं जी। हम तो बस जैसे भी चल रहे हैं, उनको तो बेचारों को ठीक ठाक दो जी। नहीं तो आपका क्या नजरिया है इसको देखते हुए कि 10% जो आरक्षण दिया है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इसके पीछे की रणनीति ये है कि कटोरे में नहीं है दाने और अम्मा चली बांटने जी। सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, वो तो आपने सब बंद कर दी हैं, कहीं कोई नौकरी है नहीं, दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, रिक्रूटमेंट है नहीं, और
जो है वो कॉन्ट्रेक्टरशिप पे आ रही हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी हैं जी। अब 10% देके आप बताइए कि कितनी नौकरियां इसमें दी जाएंगी, तो पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है जी। हम तो कहते हैं कि आप जितने भी अपर कास्ट के क्या बोलते हैं लोग हैं या और जो भारत के जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं, सबको दे दीजिए, मगर ये भी बता दीजिए कि कितनी देनी है। आपने बताया कि जैसे जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप 10% को क्या बिल्कुल सही मानते हैं, नहीं मानते हैं जो ये जो इन्होंने पॉलिसीज लाए हैं 10% के आरक्षण की, ये सही है गलत है ये बताएं। नहीं, 10% की अगर उन्होंने आंकड़े दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि सर्वे करवा के 10% उन्होंने लिया होगा जी। जो लोग लोकसभा में बैठे हैं वो 10% के आंकड़े मांग लेंगे जी कि आपने कब सर्वे करवाया, क्योंकि हमारा तो 22.5% का सर्वे हुआ था और जब सर्वे हुआ था उसके बाद से आज तक सर्वे नहीं हुआ, अभी तो हम 26-27% हो चुके हैं जी। क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, अपर कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है जी। तो हमारे लोग तो क्या बोलते हैं अब 26-27% मांगते हैं जी। मगर उसके बाद सेंसस में कभी ये बात हुई नहीं कि भाई कितने एस सी हैं, कितने OBC हैं, और जो हुई भी है वो कभी बाहर आई नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सुधीर जी। एक बात बताइए, जैसे जैसे इलेक्शन आते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देती हैं, जैसे अभी कल परसों एक आयोजन था, खिचड़ी का आयोजन था दिल्ली के अंदर, खिचड़ी का आयोजन किया गया और अभी 2 दिन बीते नहीं है उस बात को, और ये अभी नया आरक्षण का मुद्दा नया खड़ा हो गया, तो इसके बारे में क्या है आपकी राय? मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो और ये सारे के सारा जो काम हो रहा है वो SC ST OBC के समुदाय के ऊपर ही अधिकतर सारा हो रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा था, क्योंकि हमारे जो हमने पहला चेयरमैन अपना बनाया था सरकारी कर्मचारी में, वो हमने जो हमारे आदरणीय बड़े भाई रामराज जी उस समय और आज की डेट में उदित राज जी जो MP भी हैं, उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, वो वहाँ नहीं आए थे जी। बाद में वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे जो लोग हैं वो खिचड़ी से, चावल से, रोटी से, रायते से, नाश्ते से, पानी से, बीड़ी सिगरेट से, शराब से, या जो कैश पैसा देते हैं उससे, या जो आप झूठे वादे उनको कहते हैं कि उनकी नौकरी लग जाएगी फिर लगती नहीं है, या आपका उद्धार हो जाएगा वो होता नहीं है, या उनको भागीदारी देंगे वो होती नहीं है, उससे नहीं मानने वाले हैं जी। अब वो इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि वो अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। ये बात उन्होंने कही क्योंकि वो एक जो परिसंघ है वो भी चलाते हैं सरकारी कर्मचारियों के, उसके भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात आज की डेट में और ज़्यादा पक्की हो जाती है कि आप किसी को कुछ भी दो जी। मगर जो भारत के वो लोग हैं जो वंचित हैं और जिनको 2,500-2,500 साल से, लगभग बुद्ध के एक्सपायर होने के 700 साल बाद से लेके अब तक कुछ नहीं मिला है, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको दुनिया में कंपटीशन करना है जी। और दुनिया का कंपटीशन जब तक नहीं होगा जब तक कि भारत के सारे लोग एक मानसिकता और एक मन से देश के लिए काम नहीं करेंगे। आप थे सुधीर राजी जिन्होंने खूब बड़ी अच्छे से बताया है कि जो SC ST OBC के लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और आरक्षण का जो मुद्दा है जिसको पहले लोग गलत बताते थे अब वो सवणों को दे दिया गया है 10% का, अब सबको एकजुड़ कर दिया गया है। ये क्या है राजनीति, जबकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज प्राइवेटीकरण में चली गई हैं, तो नौकरियां बची कहां पर हैं? अब देखते हैं आगे क्या होता है। SMU से बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।